लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए नहीं, मुझे लगता है ये पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, क्योंकि देश भर कोरोना प्रादुर्भाव कंट्रोल में आया है, रुग्ण संख्या कम हुई है, मृत्यु दर ही कम हुआ है, लेकिन आज देश में जो 10 जिले ज्यादा रुग्ण और मृत्यु संख्या इसमें निकाले उसमें से 8 या 9 जिले ये महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र में एक ही वजह है कि नियोजन यह राज्य सरकार का ठीक नहीं है। अभी लॉकडाउन खाली करना यह उपाय नहीं है, पहले वक्त अगर लॉकडाउन करने की आवश्यकता थी तभी करते थे, तो आज लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं थी, जब करना तभी नहीं किया। इसका मतलब अभी दूसरे टप्पे पे लॉकडाउन कर रहे हैं, इसका मतलब पहले टप्पे में पूर्ण फेल्यूर यह सरकार हो गई है। आज भी देखोगे कि आज महाराष्ट्र में बेड्स अवेलेबल नहीं होते, नासिक में तो अभी एक रुग्ण मृत्यु हो गया, तो बेड नहीं, वेंटिलेटर्स नहीं, तो इसी तरह की अवस्था आज महाराष्ट्र में है। मुंबई में भी आज ही बेड वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, तो सरकार क्या कर रही है, कोविड सेंटर्स निकाल रहे, तो किधर है कोविड सेंटर्स में यंत्र सामग्री, हॉस्पिटल्स है, आज स्कूलों की जगह ले रहे, बच्चे पर एग्जाम कैसे देंगे, आज पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम स्कूल में भेजेंगे नहीं क्योंकि उधर कोविड सेंटर्स है, तो कहां क्या करना इसका भी कुछ तालमेल नहीं है। अभी कोविड सेंटर स्कूल में करने से हॉल में करो, खासगी हॉस्पिटल से वो टेक ओवर करो, लेकिन यह सरकार का ध्यान लोगों के ऊपर नहीं है, खाली लॉकडाउन करो, संचारबंदी करो, इसी तरह से डराने का काम करते हैं, लेकिन लोगों के उपजीविका का जो देखना है, क्योंकि आज इंडस्ट्री बंद है, व्यापार उद्यम बंद है, नौकरी नहीं है, इसी वक्त उनकी रोजी रोटी का सोचने की आवश्यकता है। तो हमारी मांग है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र हमारे चंद्रकांत दादा पाटिल, इन्होंने मांग की है कि 5,000 रूपये जो कष्ट करिए, ठेला वाला है, पान वाला है, जो असंगठित कामगार है, इनके अकाउंट में पहले 5,000 डालो। तुम लॉकडाउन करोगे तो खाएगा क्या, एक तरफ कोरोना से मरना है और दूसरी तरफ अभी खाना नहीं, अनाज नहीं, पैसा नहीं, इसलिए मरना है, बच्चों की शिक्षा का फीस भरना पॉसिबल नहीं, तो मुझे लगता है इसका सबका विचार करने की आवश्यकता है। मैं स्वागत करता हूं पृथ्वीराज चव्हाण साहब का, वो कांग्रेस के बड़े नेता है, महाविकास आघाड़ी के घटक है, उन्होंने भी कहा कि यहां लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं, अगर लॉकडाउन करना है तो उनके अकाउंट में पहला पैसा दे दो। तो ये समर्थन के लिए, ये भूमिका के लिए हम लोग उनका स्वागत करते हैं। अर्थमंत्री महोदय ने विधिमंडल में कहा कि कोरोना की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पूरी टूट गई है, तो कोरोना की वजह से टूट गई है, आपको मालूम है लॉकडाउन इसका रीजन है, तो अभी लॉकडाउन लाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब आपकी करनी कतनी यह ठीक नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी करके इशारा है, अगर सर्वसामान्य लोगों को उनकी आर्थिक व्यवस्था अगर खराब हो जाएगी, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति आएगी, तो कौन सा भी निर्णय इसी तरह का सहा नहीं जाएगा। ये देखो आज की तारीख में यह ठीक तरह से लोगों में गया नहीं, आज महाराष्ट्र में कोरोना प्रादुर्भाव रोकने के लिए जो कुछ सुविधा, जो कुछ दिया है वो केंद्र ने दिया, पहले दिन से आज तक महाराष्ट्र में जो मिला वो केंद्र से मिला है, वो भी यूटिलाइज प्रॉपर ये लोग कर नहीं सके। पहला अनाज अगर किसने दिया मुफ्त, केंद्र ने दिया, बाद में सस्ता दिया, केंद्र ने दिया, मास्क किसने भेजा, केंद्र ने भेजा, वेंटिलेटर किसने दिया, केंद्र ने दिया, लसीकरण का डोज किसने दिया, केंद्र ने दिया, अलग अलग पैकेजेस किसने दिए, केंद्र ने दिए, गरीब कल्याण हो, आत्मनिर्भर हो, केंद्र ने दिए, हर राज्य ने अपना खुद का पैकेज बनाया, वो भाजीपाला उत्पादकों के लिए रहे, कामगार के लिए रहे, रिक्शा वालों के लिए रहे, या अलग अलग स्टेट ने, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात ने बनाया, अपने राज्य ने एक नए कौड़ी का, एक रुपये का पैकेज एक क्षण तक बनाया नहीं, ये इनका कर्तृत्व कोरोना के बारे में।